आज थोड़े लिए असी एक नई वीडियो लेके आए जिदे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं इंश्योरेंस सैक्टर दे विच किस तरीके दे नाल गोरमेंट जॉब्स हुंदी हैं, किहड़ी किहड़ी गोरमेंट जॉब है इंश्योरेंस सैक्टर तो रिलेटिड, उन्हां दे एग्जाम दे बारे आपां कंप्लीट जो है डिस्कशन करांगे। ठीक है, ये जो सारी डिस्कशन है ये डिस्कशन है थोड़ी गोरमेंट जॉब दे रिलेटिड, थोड़े रोज़गार दे रिलेटिड, बैंक तो इलावा, ठीक है जी, SSC तो इलावा, थोड़े स्टेट एग्जाम तो इलावा, एक इंश्योरेंस भी एहोजा सैक्टर है जिदे विच तुसी गोरमेंट जॉब्स लै सकते हो। और ये जिहड़ी गोरमेंट जॉब है अगर आप गल करिए वन ऑफ द बेस्ट मनी जाती है होर अदर फील्ड दे नालो, एक रिलैक्सिंग जॉब है, ठीक है जी। और तुसी ये कह सकते हो ये कोई तुसी इस तरीके के टारगेट वाली जॉब्स नहीं होंगी, प्रोपर तरीके दे नाल गोरमेंट जॉब्स होंगी। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो दे विच, ये वीडियो थोड़े लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होगी, इनू एंड तक जरूर देखो। सब तो पहला अगर आप वैकेंसी की गल कर सब तो पहला अगर आप वैकेंसी की गल करिए NICL दैट इज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दे विच, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है हर साल और एक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने इनू अडोप्ट किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन नू, इन्हां दे विच जिहड़ी जॉब लोकेशन होंदी है वो एनीवेयर इन इंडिया, दैट मीनस यह जिहड़ा टेस्ट है वो इंडिया लैवल का होंदा जी, अलग अलग स्टेट तो स्टूडेंट्स अपीयर होंदे है, हर स्टेट की अलग अलग जिहड़ी हैगी वैकेंसीज आउट होंदी है जिहदे बेस ते तुहानूं जिहड़ी है जॉब मिलती है। अगर आप गल करिए एज लिमिट की, 21 to 30 ईयरस तक के जिहड़े स्टूडेंट है मैक्सीमम 30 ईयरस, इन्होंने एक डेट दी होंदी है, सपोज करो 1-1-2020 वैकेंसी निकली है, यानी कि 1-1-2020 तक जिन्हें की एज 30 ईयरस हो चुकी है, ठीक है, उही स्टूडेंट जिहड़े आ फॉर्म फिल कर सकते आफ्टर 1-1-2020, ठीक है ना। उस तो बाद एक एग्जाम्पल दिती है तुम समझाने के लिए, उस तो बाद जिहड़े कैंडीडेट की एज 30 होगी या 30 साल एक दिन है 30 साल दो दिन है वो सारे नॉट एलिजिबल है, ठीक है ना। ये जिहड़े एग्जाम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रैजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिपलिन तो रैकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो, ठीक है ना जी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की और असिस्टेंट की, हर साल जिहड़ी वैकेंसीज आउट होंदी है, ठीक है। अगर आप गल करिए जिवें 2021 वैकेंसीज निकली है 300 वैकेंसीज है, यदि जी जॉब लोकेशन होगी एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है, मोड ऑफ एग्जाम जिहड़ा ऑनलाइन है। अगर आप सैलरी की गल करिए 60,000 जी अप्रोक्सीमेट यदा सैलरी पैकेज है, सिलेक्शन जिहड़ा क्राइटेरिया डिपेंड करता है थोड़े प्री और मेन्स के एग्जाम से, जिस बेसिस से फर्दर एक मैरिट लिस्ट आउट होंदी है और उस मैरिट लिस्ट के आधार पर थोनू न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जिहड़ी है जॉब मिल जाती है, ठीक है। देखो एक चीज़ होर है, NICL जिहड़ा है ये जिहड़ी कंडक्टिंग बॉडी है खुद है, तो जिहड़े स्टूडेंट्स ये प्रिपेशन कर रहे उन्होंने लास्ट 10 ईयर से जिहड़े एग्जाम्स है वो देखना एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर तुसी लास्ट 10 ईयर के एग्जाम एनालिसिस करते हो तो थोड़ा एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके दे नाल जिहड़े क्वेश्चन का लैवल आ इनक्रीज हो रहे और कि जिहड़े पोर्शन हैगे है वो ये कवरअप किए जाते, ठीक है। तो थोड़ी जिहड़ी तैयारी है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी, थोड़ा मार्क्स लेना जिहड़े है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, हरेक चीज़ थोड़ी एक रोडमैप बन जाएगा। कि रोडमैप का मतलब कि अगर आप गल करिए टॉपिक्स ज़्यादा पेपर आता है, की टॉपिक्स का लैवल है, किड़े ईजी है, किड़े मॉडरेट है, किड़े हाई लैवल है, उन्होंने अगर आप 10 साल का एनालिसिस बना लेंगे तो अपना पेपर क्रैक करना जो है ईजी हो जाता है। एज लिमिट की गल करिए 21-30 ईयरस तक के स्टूडेंट जिहड़े अपीयर हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन ग्रैजुएशन इन एनी डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है। हुण आप आ जाने NICL, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कारपोरेशन जी लिमिटेड है, वह जो प्री का एग्जाम पैटर्न है, देखो जोड़े सबजैक्ट्स कवरअप होंगे होंगे इंग्लिश रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, टोटल क्वेश्चन हो गए जी 100, हरेक क्वेश्चन एक मार्क्स का होंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स हो गए 100। इंग्लिश इंग्लिश के ही अवेलेबल होंगे क्वेश्चन पेपर के उत्ते, रीजनिंग इंग्लिश एंड हिंदी क्योंकि सेंट्रल लैवल का एग्जाम है सेंट ऑल ओवर इंडिया का, तो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन पेपर होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश और हिंदी।
अगर तुसी गल करो तो जिहड़े सैक्शन है ये थोड़ा 20-20 मिनट्स मिलते हैं, टोटल 60 मिनट्स के जो एग्जाम तुसी क्रैक करना होंगे। पेनल्टी जी 1/4 के लिए गलत क्वेश्चन के लिए डिडक्ट होंगे, ठीक है जी। 1 आवर ईच सैक्शन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सेम ही पैटर्न है जिमें बैंक के विच है, ठीक है। जिमें बैंक के अदर एग्जाम है वो प्री का जो एग्जाम पैटर्न है सेम है। तो जोड़े स्टूडेंट बैंक की भी प्रैपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस सैक्टर की भी करना चाहते हैं, वो दोनों एनालिसिस बना लेन अलग अलग एग्जाम का, ठीक है। बैंक के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंश्योरेंस कि टॉपिक है, फर्दर उन्होंने कॉमन जोड़े टॉपिक होंगे उन्हें अलग लिस्टिक तैयार करो, ठीक है। जिदे नाल थोड़ी जी प्रैपरेशन होर ईजी हो जाएगी और जी थोड़ी बूस्टिंग पावर है वो इनक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नैक्सट आ गया थोड़ा असिस्टेंट, ठीक है जी। सॉरी जिहड़ा, हाँ देखो प्री, अगर आप गल करिए जिहड़ा प्री एग्जाम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, ठीक है, और असिस्टेंट का, दोनों का सेम है, ठीक है। हुण आप आ जाने मेन्स के उत्ते। मेन्स जिहड़ा मेन है ये है जी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इतने गलती दे नाल गलत लिखा गया, ठीक है। ये जो सैक्शन कवरअप किए जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड, सारे के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 हरेक क्वेश्चन जो एक मार्क्स होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम पेपर हो जाएगा। रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों के कवरअप की जाती है क्वेश्चन पेपर के उत्ते, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश चाहती है जी। जनरल अवेयरनेस स्टैटिक पार्ट कवरअप किया जाता है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकनोमिक्स एंड 6 मंथ से करंट अफेयर, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों चाहते हैं, क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड भी, ठीक है। ये जिहड़ा ये थोड़ा 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे के जो पेपर कवरअप करना है, और मेन्स तो बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होंगी है। इस हिसाब न अपना प्रिपरेशन करो कि उस मेरिट्स लिस्ट के थोड़े वधिया नंबर के नाल हायर पोजिशन से थोड़ी रैंक आ सके और उस तो बाद थोनू जी है ये जॉब मिल सके, समझ गए, ठीक है ना। इस की होंगे है जी प्रिपरेशन है, ठीक है, जेडे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने प्रिपरेशन तुसी वधिया बनाने के लिए मैं हर बारी रिपीट कर दिया, लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर जरूर करो, जरूर करो। जो थोड़ा अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करते हो तो थोड़ा रिजल्ट अपने आप वधिया हो जाए, ठीक है। उस तो बाद देखो प्री हो गया प्लस मेन, मेन दे विच ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे विच लैटर राइटिंग, एसे राइटिंग, जिहड़ा लैटर राइटिंग है 10 मार्क्स आता है, एसे राइटिंग जिहड़ा 20 मार्क्स आता है, ठीक है जी। ये जिहड़ा टोटल मिला के 30 मार्क्स का सैक्शन जिहड़ा हैगा वो कवरअप किया जाता है, ठीक है। उस तो बाद अगर आप गल करिए NIACL न्यू इंडिया इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड के विच एक असिस्टेंट की वैकेंसीज भी निकलती है, 2018 के भी आई सी, 19 भी आई है, 20 के नहीं आई वैकेंसीज, हूँ फरदर आ सकती है, ठीक है। अगर आप गल करिए जिहड़ियां AO दी वैकेंसीज है उहदे नालों ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। हर साल जिहड़ा इहदा एग्जाम है इंडिया लैवल पर कंडक्ट किया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम होंदा। अगर आप सैलरी की गल करिए 23,500 जिहड़ी है इहदी सैलरी होंगी, क्लर्क लैवल का एग्जाम होंगे जी। 21 साल तो 30 साल के जो स्टूडेंट्स है वो अपीयर कर सकते हैं इस एग्जाम के विच, और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कंपलसरी है जी, किसी भी रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम पैटर्न की गल करिए, AO दे और असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न सेम है, बट जिहड़े क्वेश्चन का लैवल होंगे है ना वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ओबियसली है एक क्लैरिकल लैवल का एग्जाम होंगे, ईजी होंगे, थोड़ा जा मॉडरेट कह सकते हो। अगर आप AO दी गल करिए तो ईजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और हाई लैवल क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। सेम आ गया जी इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30-30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 35 रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, टोटल जोड़े 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, और 60 मिनट्स के एग्जाम जोड़ा कवरअप करना होंगे। 1/4 डिडक्शन होंगी है जी, 1 आवर के जोड़े है तुम्हें पेपर कवरअप करना, 20 मिनट जोड़े हरेक सैक्शन के लिए थोनों दते जाते हैं। अगर आप मेन की गल करिए असिस्टेंट का, तो ये जोड़ा है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, एक होर सैक्शन ऐड हो जाता है
कंप्यूटर ए ओ दे विच कंप्यूटर नहीं आता तो ये 40-40 क्वेश्चन जेडे हर एक सैक्शन के हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे 200-250 मार्क्स का होंगे, ठीक है जी। देखो ठीक है ना, 250 मार्क्स का होंगे, तो ये जेडे ड्यूरेशन उन्होंने तुसी 2 आवर्स उन्होंने दी जाती है, 1/4 जी डिडक्शन होंगी है। 2 आवर्स के जोड़ा है तुसी सिलेबस कवरअप करना है, एग्जाम करना है और थोड़ा मेरिट लिस्ट के नाम लिया के ये जी जॉब तुसी हासिल करनी है, ठीक है। ड्रीम पक्का पूरा होएगा अगर तुसी सही तरीके दे नाल चल रहे हो, ठीक है, सही तरीके दे नाल प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा एक वधिया जॉब जी मिलेगी। देखो नैक्सट अगर आप गल करिए राजे, नैक्सट आ गया थोड़ा LIC का एग्जाम। LIC का EEO का एग्जाम होंगे, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, ये जी जॉब है एक पब्लिक सैक्टर कारपोरेशन है जिसनु सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडोप्ट किया। डायरैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं होंगी, बट ये जिहड़े है अंडरटेकिंग होंगी है लाइक ऑफ नैशनलाइज्ड बैंक, समझ गए, ठीक है ना। ये जिहड़े देखो ए अगर LIC EEO की आप गल करिए, ठीक है, तो यह जिहड़ा है न्यू इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया कंडक्टिंग बॉडी है। पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यदि वेकेंसीज जल्दी आ जाएगी, ठीक है। सारे जो स्टूडेंट प्रिपरेशन इंश्योरेंस सैक्टर के जॉब लेना चाहते हैं वो यदि प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। www.licindia.in जी यदि ऑफिशियल साइट है। एनीवेयर इन इंडिया जी है जॉब थोड़ी जॉब मिल सकती है। ऑनलाइन जो एग्जाम मोड है, प्रीलिमरी और मेन्स के एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जी। 21 to 30 ईयरस के जोड़े एज के स्टूडेंट्स है वो ये अपीयर हो सकते हैं, और जी ग्रेजुएशन होना थोड़ी जरूरी है। LIC अगर AO की गल करिए, ठीक है ना, LIC EEO बहुत ही ज़्यादा असी इनू बेस्ट जॉब कहने हैं। किस्मत वाले होंगे स्टूडेंट जिन्हें LIC दे विच EEO की जी है पोस्ट मिलती है, समझ गए, ठीक है ना। बहुत बेनीफिट है ये, पे दे नाल नाल एक सुकून है जी थोड़ी लाइफ के थोड़ी जॉब के, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम पैटर्न की गल करिए जी, LIC हो गया, ठीक है, चाहे वह NIACL हो गया, न्यू इंडियन इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों का एग्जाम पैटर्न जो है प्री मेन का लगभग सेम होंगे। प्री की अगर आप गल करिए, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश जी कवरअप की जाती है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, इंग्लिश के 30, हरेक जोड़ा क्वेश्चन है एक मार्क्स का होता, यानी कि 100 जोड़े मार्क्स का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और 60 मिनट के यानी कि 1 आवर के जोड़ा पेपर हैगा तुम्हें कवरअप करना, ठीक है। नैक्सट आ गया थोड़ा मेन का सैक्शन। मेन दे विच की है ऑब्जेक्टिव होएगा, ठीक है, प्लस ये जोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव जोड़ा सैक्शन है जिन्होंने आप लैटर राइटिंग कहने हैं, ठीक है, वो या एसे राइटिंग कहने हैं, वो कवरअप होंगे। देखो यदा जो एग्जाम पैटर्न अगर आप गल करिए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स का ये सैक्शन है। GK और करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का जोड़ा सैक्शन है। परसनल नॉलेज रिलेटिड योर फील्ड, जिड़ी भी फील्ड के रिलेटिड तुम वेकेंसीज आउट होंगे या वेकेंसीज निकल दी उस रिलेटिड प्रोफेसनल नॉलेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स का होंगे। अगर आप लीगल की गल करिए, लीगल की वेकेंसीज आती तो लीगल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इंश्योरेंस एंड फाइनैशियल मार्केट अवेयरनैस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जी, 300 मार्क्स के, ठीक है, और 120 मिनट्स के जोड़ा सैक्शन कंप्लीट करना होंगे। उस तो बाद डिस्क्रिप्टिव आते हैं जी, लैटर और एसे राइटिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन दो होंगे, एक लैटर राइटिंग का एक एसे राइटिंग का, 25 मार्क्स का होंगे जी, और 30 मिनट्स जोड़े कवरअप करना होंगे, ठीक है, लगभग सेम है। नैक्सट आती है जी NICL दे विच, NICL देखो तीन हो गए, NIACL LIC एक NICL, तीन डिपार्टमेंट बेस्ट डिपार्टमेंट जिन्हों आप कह सकते हैं इंश्योरेंस सैक्टर दे विच, जिदे विच थोनू जिहड़ी है जॉब तुसी लै सकते हो। एग्जाम क्लीयर करके प्री क्लीयर करोगे, मेन क्लीयर करोगे, दैन मैरिट बनेगी और फिर थोनू जिहड़ी है वो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। NICL दे विच की है नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी। तीन टाइप की जी पोस्ट होंगी है,
डबल ए अकाउंट्स अप्रीहेंसिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है जी, प्री मेन्स और इंटरव्यू दे विच जिहड़ी इहदी सिलेक्शन हुंदी है 21 ईयरस तो 30 ईयरस तक की इहदी एज लिमिट है। ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स जो है वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्री और मेन दोनों का इकट्ठा ही चार्ट बनाता जी। प्री दे विच जिहड़े जनरल लैंग्वेज है वह 30 क्वेश्चन होंगे है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35, रीजनिंग के 35, टोटल जिहड़ी है ये 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे है, जिन्हों तुसीं टोटल 60 मिनट यानी कि 1 आवर्स के जिहड़ा है कवरअप करना होंगे। ठीक है, मेन्स की अगर आप गल करिए रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनैस कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज ऑबजैक्टिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी, ये जी है 5 सैक्शन है, 200 क्वेश्चन होंगे है। ठीक है जी, 120 मिनट्स के जोड़ा है सैक्शन कवरअप करना होंगे यानी कि 2 आवर। इंग्लिश लैंग्वेज की गल करिए 3 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट्स का जोड़ा सैक्शन कवरअप किया जाता है। ठीक है, इस तो अलावा हूँ जीडिया वेकेंसीज राजे आने वाली पेंडिंग है LIC के ADO दी LIC HFL ठीक है NIACL असिस्टेंट एग्जाम NIACL AA दिया जी एग्जाम की नोटिफिकेशन वह येट टू बी रिजल्ट बहुत ही जल्दी ये जीडिया वेकेंसीज है आ जाएगियाँ। तुसी अपनी प्रिपेशन है जी स्टार्ट कर दो, एक टारगेट बना लो। नैक्सट वीडियो असं थोड़े को लेके आवेंगे कट ऑफ के रिलेटिड की कट ऑफ है जिदे बेसिस पे थोनू जिहड़े हैगे जॉब्स मिलदी हैं या तुसी कह सकते हो थोड़ा एग्जाम क्लीयर होंदा है। ठीक है, ये सारा कुछ असी थोनू नैक्सट वीडियो दे विच एक्सप्लेन करांगे। जिहड़े स्टूडेंट दा थोड़ा टारगेट इंश्योरेंस सैक्टर दे विच भी जॉब करना है वो साडे नाल इस नंबर ते संपर्क कर सकते हैं 9551500041 ते। साडे न्यू बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं जी, ऑलरेडी रनिंग दे विच है 2 बैच जो न्यू है। ठीक है, जिहड़े स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो 9551500041 ते कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन असी जिहड़ी इहदी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वन बेस्ट रिजल्ट है जी, हुणे रीसेंटली एक्साइज इंस्पैक्टर का जिहड़ा पेपर होया सी उहदे विच साडे स्टूडेंट का ठीक है ना 3rd रैंक आया हैगा जनरल दे विच और 1st रैंक हैगा EWS दे विच। अगर तुसी भी उस रैंक नूं हासिल करना चाहते हो ठीक है अपनी जिहड़ी जॉब पक्की करना चाहते हो तो तुसी साडे नाल संपर्क कर सकते हो। इंश्योरेंस सैक्टर दे विच LIC NICL और NIACL की असी प्रिपरेशन करावांगे, स्टडी मटीरियल सारा साडा होएगा जी, मॉक टेस्ट भी असी प्रोवाइड करांगे चाहे तो वह सैक्शनल है टॉपिक है फुल लेंथ है। सारे जिहड़े टॉपिक्स है वह कवरअप किए जाएंगे इन डैप्थ, स्पीड बिल्डिंग सैशनस होंगे, जिहड़े स्टूडेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा घट है उन्होंने अलग अलग टाइम पर बुला के उन्होंने टेस्ट लिते जाएंगे ताकि उन्होंने स्पीड जिहड़ी है इनक्रीज़ हो सके। रेगूलर उन्होंने जिहड़े है डाउट सैशनस होंगे है ठीक है, जिन्हें फरदर असी कहने हैं कि रिजल्ट बच्चे का इनक्रीज़ होंगे। न्यू बैच की रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करो 9551500041। कोई क्वायरीज या कोई काउंसलिंग लेना चाहते हो तो तुसी साढ़े इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, साडे काउंसलर नाल थोड़ी हरेक प्रॉब्लम का जिहड़ा हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक करो शेयर करो। थैंक यू।